told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hi guys, good morning. So, बस देखिए आज हम जा रहे हैं कलन गुड मार्केट और आज से हमारे साथ है यस दर्पण भी आ गई है तो वो भी अभी इस ब्लॉग में मेरे साथ रहेगी और हम पूरा कलंगुट मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। कलंगुट बीच भी अगर टाइम मिला तो वहां पे भी जाएंगे। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए कलंगुट और देखिए ये जैसे आपको सर्कल दिख रहा है ये कलंगुट मार्केट का है और यहां से ही जो शॉपिंग स्ट्रीट है कलंगुट की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो चलिए अभी पूरी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अभी ओपन और फिर जाते हैं बीच पे। कितने का है लेकिन कितने से स्टार्ट कितने से होता है? 100 से स्टार्ट। तो देखिए 100 से स्टार्ट होता है फिर जैसा जैसी क्वालिटी और उसके बाजू में ही तो गोवा की जो कलंगुट की शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट है वो काफ़ी फेमस स्ट्रीट मार्केट है और यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। आप चाहे कभी भी गोवा आते हो तो कहीं पे भी ठहरे या तो अंजुना कैंडोलिम बाघा लेकिन आप ज़रूर एक बार ये जो कलंगुट की शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे आइए और पूरा एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। तो ये जो शॉप थी वो स्पेशली स्टॉल के लिए थी तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैरायटीज़ में स्टॉल मिल जाते हैं। स्टार्टिंग रेंज आई थिंक 499 से स्टार्ट हो रही थी। तो गोवा में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे ज़्यादा तो आपको शॉर्ट है टी शर्ट है फिर बीच वेयर है फिर वन पीस है ऐसे ही कपड़े ज़्यादातर आपको मिलने वाले हैं बिकॉज जो गोवा का अट्रैक्शन है वो बीच ही होता है। तो वन पीस में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी जो कि हम लोगों को अच्छी लगी। मैंने और दर्पण ने फिर वहाँ से एक एक वन पीस भी बाई किया क्योंकि ये अच्छा भी लग रहा था और उसका जो दाम था वो भी उन्होंने थोड़ा बार्गेनिंग करके दिया हमको। कलंगुट बीच इतना फेमस बीच है गोवा का कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है ये टूरिस्ट का। तो ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है कलंगुट की ये कभी भी आपको बंद नहीं मिलेगी। यहाँ पे 50 से ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा ही शॉप होगी मुझे तो इतना काउंटिंग मैंने नहीं किया लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है। ऐसा नहीं है कि खाली आपको कपड़े ही मिलेंगे लेकिन अलग सभी चीज़ें भी आपको बहुत सारी मिल जाती है यहाँ पे। सो गाइज तो देखिए ये शॉप में सभी चीज़ों पे सेल लगा हुआ है। 20 रुपीज़ में सभी चीज़ें फिर 100 रुपीज़ में गॉगल्स है। चलिए बताती हूँ मैं आपको। और देखिए सभी जो एसेसरीज है जो देखिए ये भी अच्छी है नहीं ये सभी 30 रुपीज़ की सभी 30 रुपीज़ की पूरा ओके तो यहाँ तक 30 रुपीज़ है 50 है और 80 है और अच्छी सभी चीज़ें देखिए सभी ज्वेलरीज है। ज्वेलरीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आपको एंटिक ज्वेलरीज पहनना पसंद है तो। और देखिए ओपनर्स
सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे है शॉपिंग स्ट्रीट और सामने ही बिल्कुल है कलंगुट का पार्किंग एरिया, जहाँ पे जो फोर व्हीलर है, जो कार है, उसका पार्किंग का चार्ज है 50 रुपीज़, और अगर आपके पास टू व्हीलर है, एक्टिवा है, तो उसका चार्ज है 20 रुपीज़। चलिए अभी हम चलेंगे आगे। शॉर्ट्स 100 रुपीज़, फिर जो गोवा वाली टी शर्ट आती है वो 100 रुपीज़। तो काफ़ी सारे स्टॉल पे मैंने देखा कि इस टाइप की ऑफ़र लगी हुई है, और आप जब भी गोवा आते हो तो आपको ये कलंगुट की जो स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र मिली जाती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वन पीस थे और बहुत अच्छी अच्छी वराइटीज़ थी, और उसके एग्जैक्ट बाजू में ही आपको ऐसी पर्स की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे क्लर्चीज थे। फिर देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे अच्छे वैरायटीज में सभी पर्स थे। ये 950 का है और इसमें जो छोटा वाला है वो 650 का है। तो यहाँ की जो शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे कोई कोई शॉप में तो आपको जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जो ब्रांडेड क्लोथ्स है, उसकी फर्स्ट कॉपी भी मिल जाती है, उसके टैग लगे हुए होते हैं। ओरिजिनल कॉपी तो वो होती नहीं है, वो हमको भी पता है कि इतने में नहीं मिलती। तो देखिए, और एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम मानसून में निकले थे, लेकिन आज धूप ज़्यादा थी, मीन्स बारिश नहीं थी, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमने पूरी जो कलंगुट की शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट है वो एक्सप्लोर कर ली। और वैसे भी मानसून होता है, बारिश होती है, तो भी ये स्ट्रीट तो ओपन ही होती है, ये क्लोज नहीं होती। तो जब भी आप अभी मानसून में अगर आप अपना ट्रिप प्लान बना रहे हो, तो आप ज़रूर, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको कलंगुट मार्केट ही आना चाहिए, आप बहुत ही इंजॉय करोगे। चलो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मैंने भी लिया, दर्पण ने भी लिया 50 रुपीज में। अच्छा है, गुड शॉपिंग। तो देखिए ये शॉप में भी अभी पूरा सेल लगा हुआ है, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, और कंपैरेटिवली आगे जितने भी मैंने देखे उसमें यहाँ पे वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी, रेट भी कम था। तो अगर आपको काजू परचेज़ करने हैं तो ये रही काजू की होलसेल शॉप, आपको कलंगुट स्ट्रीट मार्केट में ही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एकदम फ्रेशली कैश्यूनट मिलते हैं, और अभी उन्होंने, अगर आपको फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, तो देखिए ये काजू की जो स्वीट आती है उसके डब्बे हैं, जो 200 में आपको 5 मिल जाते हैं। तो अभी हम बहुत नज़दीक है कलंगुट बीच से। तो कलंगुट बीच का जो ये शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट है, वो अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो 1.5-2 घंटे तो आपके वैसे ही चले जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है चप्पल, स्लीपर्स, सब में ऑफ़र है 200 रुपीज़ में, बाय एनीथिंग। और उसके सामने ही स्पाइसीज एंड टी है, जो गोवा के स्पेशल जो मसाले हैं वो है, और अलग टाइप की सभी चाय है, जैसे ग्रीन टी है, फिर लेमन ट्री है, इस टाइप की। सो फाइनली शॉपिंग स्ट्रीट पूरी हमने एक्सप्लोर कर ली है, मैंने आपको बता दिया है। अभी हम पहुंचे हैं बीच पे। Okay.
कालनगुट पे आपको रश तो मिलेगा, लेकिन नहाना अंदर अलाउड नहीं है। बस आप पैर भिगो सकते हो और लाइफ गार्ड यहाँ पे रहते हैं। और टूरिस्ट की मैं बात करूँ, ह्यूज क्राउड है, लेकिन शेक्स, बीच बेड ऐसा कुछ भी अभी आपको नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे विशाल चिप्स खाते हैं। मॉनसून में रियली आना चाहिए, क्योंकि वेदर इतना अच्छा होता है कि आप दोपहर में निकले, सुबह में निकले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हियर इज द व्यू, देखिए व्यू देखिए, वाओ। तो कलंगगुट पे काफ़ी सारा क्राउड था, बट अगर बीच बेड नहीं है तो आप यहाँ पे हार्डली आधा घंटा स्पेंड कर पाओगे। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप मॉनसून में गोवा ट्रिप प्लान करते हो तो आप बाघा बीच पे चले जाइए, क्योंकि बाघा बीच पे जो रेस्टो बार है शेक है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप वहाँ बैठ के आराम से बीच का व्यू ले सकते हो। एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और फिर वापस भी हो जाता है। खाली मैं बादल बता दी हूँ आपको, देखिए। तो बस ये व्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हम चले गए हमारा जो 1 BHK अपार्टमेंट था वहाँ पे। तो आई होप आपको ये शॉपिंग स्ट्रीट वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।